एनकेफेलाइटिस एक असामान्य एवं गंभीर बीमारी है जिसके अंदर दिमाग के अंदर सूजन आ जाती है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौधरी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर, मैं एनकेफेलाइटिस यानी चमकी बुखार के बारे में बात कर रहा हूँ। एनकेफेलाइटिस हम उस बीमारी को बोलते हैं जिसके अंदर मेन रूप से इन्फेक्शन या सूजन ब्रेन के टिश्यूज के अंदर आती है और दिमाग या ब्रेन सूज जाता है। ये आमतौर पे दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक एनकेफेलाइटिस जिसके अंदर छुटमुट केस आते हैं, एक दो, कहीं पे पाँच चार केस, और दूसरी होती है एपिडेमिक एनकेफेलाइटिस जिसमें बहुत बड़े एरिया के अंदर एक साथ बहुत से लोग इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे जापानी एनकेफेलाइटिस। जो एनकेफेलाइटिस के कारण होते हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इन्फेक्शंस जिसमें वायरस और अदर बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट ये होते हैं। वायरस में भी हर्पी सिंप्लेक्स वायरस है, वो स्पोरेडिक एनकेफेलाइटिस का मेन कारण होता है। एंड जापानी एनकेफेलाइटिस होती है जो एपिडेमिक एनकेफेलाइटिस मोस्ट कॉमन होती है। जो बिना इन्फेक्शन के कोज जिनको हम नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं उनमें ऑटोइम्यून एनकेफेलाइटिस, पैरानियोप्लास्टिक एनकेफेलाइटिस, एडम ये कॉमन होती हैं। जो एनकेफेलाइटिस के लक्षण, क्योंकि इसमें दिमाग में सूजन आ जाती है तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बुखार, दिमाग का बुखार, तो इसमें बुखार होगा और दिमाग के लक्षण होंगे जैसे सर दर्द होना, गर्दन में जकड़न होना, धीरे धीरे सुस्ती आ जाना, बेहोशी की तरफ बढ़ना, या बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ जाना जिसमें पागल जैसे बिहेव करना, और कई बार मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो इसके लक्षण होते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से में सूजन आती है, क्योंकि हर हिस्से का अपना एक पार्ट है। अगर याददाश्त वाला हिस्सा हुआ तो याददाश्त की प्रॉब्लम आ जाएगी, जो अपना बिहेव को कंट्रोल करता है, व्यवहार को, तो उसमें एकदम पागलों जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। अगर चेहरे की जान नसें आती हैं, क्रेनियन और बोलते हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो मुँह में टेढ़ापन, आँखों में टेढ़ापन, अगर हम ब्रेन स्टेम एरिया बोलते हैं वहाँ का हुआ तो बेहोशी आना, बैलेंस नहीं बनना, हाथ पैरों में वीकनेस आना, ये सारे सिम्टम एनकेफेलाइटिस के होते हैं। जहाँ तक एनकेफेलाइटिस का निदान या जिसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं उसमें जो जनरल अप्रोच होती है वही इसमें लगाते हैं। जैसे पेशेंट के सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या लक्षण हैं, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, फिर हम उसको एग्जामिन करते हैं कि एनकेफेलाइटिस के पेशेंट में ख़ास तौर से नेक के अंदर नेक रिजिडिटी, मतलब गर्दन की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, बार बार दौरे आते रहते हैं, होश का लेवल कम होता है, तो फिर हम जांच करवाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम टेस्ट करवाना चाहते हैं वो सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। तो हर तरह के एनकेफेलाइटिस में ब्रेन के अलग अलग हिस्से इन्वॉल्व होते हैं। फिर जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो CSF होता है, मीन्स रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल करके जाँच करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंगस या ऑटोम्यून एनकेफेलाइटिस है। तो जो पेशेंट के लक्षण होते हैं उसको जो हम एग्जामिनेशन करते हैं उसमें जो फाइंडिंग होती हैं, उसकी CT और MRI में फाइंडिंग होती हैं, उसके जो CSF जो रीढ़ की हड्डी में पानी निकाल के लेते हैं उसकी फाइंडिंग, और अदर सपोर्टिव टेस्ट जैसे EEG वगैरह, इन सब का जो सम्मिलित जो मिश्रण होता है उस सब के बाद में हम एक फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच पाते हैं।
एनकेफेलाइटिस से बचने का जो मोस्ट कॉमन जो एनकेफेलाइटिस होती है, जिसको हम एपिडेमिक एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, जो बड़े एरिया में एक साथ बहुत सारे लोगों को होती है, उनका मेन कारण होता है अर्बोवायरस। अर्बोवायरस मीन्स आर्थ्रोपोड बोन वायरस, जो ऐसे वायरस जो मच्छर या टिक वगैरह के काटने से फैलते हैं। तो इससे बचाव का तरीका ये है कि मच्छर कम कैसे हों और उनसे काटने से कैसे बचा जाए। जैसे सुबह शाम अपन बाहर निकलें तो पूरे बाजू के कपड़े, शर्ट या पैंट पहने, मच्छरों को नहीं पनप देने दें, इसके लिए जहाँ पानी रुकता है उसको अपन हटाएं, अपने कूलर वगैरह या आसपास का जो छोटा गड्ढा है उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है वो, और मच्छरदानी का उपयोग करें। साथ ही साथ कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में वैक्सीन यानी टीके उपलब्ध हैं, जिनमें मेन रूप से जापानी इनकेफेलाइटिस और येलो फीवर वायरस है। तो जापानी इनकेफेलाइटिस का टीका 2 महीने से ऊपर के बच्चे को लग सकता है, और इसमें 2 टीके लगते हैं जो 4 हफ्ते के गैप पे लगाए जाते हैं, और 1 साल होने पर बूस्टर डोज लगती है। जहाँ तक एनकेफेलाइटिस का इलाज का सवाल है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में जो दवाई वायरस या बैक्टीरिया है, जिसमें हम एंटीवायरल या एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ देते हैं, जैसे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस मोस्ट कॉमन स्पोरेडिक वायरस है, एनकेफेलाइटिस है, और उसमें हम एसाइक्लोविर देते हैं। दूसरा सपोर्टिव ड्रग जो हेल्प करती हैं पेशेंट की बीमारी को कम करने में, क्योंकि एनकेफेलाइटिस में दिमाग में सूजन आ जाता है, तो सूजन कम करने वाली दवाइयाँ जिनमें मेन रूप से हम स्टेरॉइड काम में लेते हैं, मैनिटोल इंजेक्शन वगैरह काम में लेते हैं। पेशेंट को बार बार दौरे पड़ते रहते हैं तो हम दौरे की दवाइयाँ देते हैं उनको। एनकेफेलाइटिस में जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं वो सीरियस होते हैं और आईसीयू केयर वाले होते हैं, तो उनके अंदर जो जैसे हम मेन रूप से कि वोमिट कर उल्टी करके एस्पायरेट नहीं कर जाए, निमोनिया का रिस्क रहता है, उसको बचाव वाली दवाइयाँ देते हैं। इनके अंदर पेशाब की और बाकी नलियाँ लगी हुई रहती हैं, दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह, उनके इन्फेक्शन से बचाने के लिए। बेड में रहते हैं पेशेंट तो पैरों में क्लॉट बनने का रिस्क रहता है, थक्का जमना जिसको DVT बोलते हैं, उसको बचने वाली दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा सीधे एक ही जगह लेटे रहेंगे तो बेड सोर जो पीछे घाव होने का रिस्क रहता है उसकी दवाइयाँ देते हैं। तो ये सारी जो मेन दवाइयाँ और सपोर्टिव दवाइयाँ, ये सब का एक कॉम्बो यूजुअली हम एनकेफेलाइटिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लेते हैं। तो एनकेफेलाइटिस में जो एंटीवायरल और जो अगर बैक्टीरिया से तो एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ, और साथ में जो सपोर्टिव दवाइयाँ, इन सबको मिला करके हम मरीज का इलाज करते हैं।